अस्सलाम दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है हम बात करेंगे जो जापान का जो है जो नया जो री एंट्री लॉ है जो है इंडिया पाकिस्तान और नेपाल इन तीनों कंट्रीज़ के लिए। तो उस लॉ में ये है कि अगर ये लॉ अनाउंस हुआ है कल 14 तारीख को, तो अब जो है इसके बाद जो है अब जो भी जो है इससे पहले जो लोग गए थे जो किसी वीज़ा पे थे, जो स्टूडेंट वीज़ा पे थे, जो इवन परमानेंट रेजिडेंट थे या फिर ये जो वर्क वीज़ा पे थे, अगर जो पहले गए थे तो वो वापस आ सकते हैं और वो वापस आएंगे। और उसके अलावा 6 दिन जो है क्वारंटाइन होगा एयरपोर्ट के पास एक होटल में, तो वो 6 दिन तक उस होटल में रहेंगे। और 6 दिन उस होटल में गुजारने के बाद उनको कोई अपना ही बंदा पिक करने आएगा, मतलब वो लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं ले सकते, कोई उनका कोई दोस्त आएगा, कोई भाई आएगा जिनको अपनी गाड़ी में वहीं से ही होटल से ही उनको ले जाएगा। और वो फिर घर पर 14 दिन और क्वारंटाइन करेंगे वहाँ पर। तो उनको हर 8 घंटे बाद उनको एक मैसेज आएगा जो है इनके हेल्थ वालों का, और उसको अप्रूव करना है, अपनी लोकेशन कंफर्म करनी है कि मैं इस टाइम कहाँ पे बैठा हूँ, और वो लोकेशन वही होनी चाहिए जो उसमें अपने घर की एड्रेस दी हुई है। तो ये उसकी कंडीशन है। लेकिन अब जो 14 तारीख के बाद, अभी आज 15 है, तो आज जो भी जाएगा पाकिस्तान जाएगा, नेपाल जाएगा, तो वो वापस फिर नहीं आ सकता। और उसकी फिर वापसी के लिए उन्होंने कानून बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। उसमें फिर यह है कि जो अगर वापस आना चाहता है, जो अभी जाएगा अगर उसको वापस आना है, तो उसको फिर यह है कि उसको 14 डेज तक किसी और कंट्री में, जिसमें आके अबू धाबी आ गया, आपके फ़्लाइट का ट्रांजिट हो, मतलब फ़्लाइट डायरेक्ट जापान नहीं आएगी, पहले अबू धाबी जाएगी या फिर दुबई जाएगी या फिर यह है कि श्रीलंका जाएगी, तो इन तीनों कंट्रीज़ में अगर वो बंदा 14 डेज वहाँ पर स्टे करता है, इन तीनों कंट्रीज़ में 14 डेज किसी होटल में कहीं पे भी रुकता है और उसके बाद फिर वो जापान आता है, तो फिर शायद उसको एंट्री मिल जाए। और फिर दूसरा ये है कि अगर इन तीनों कंट्रीज़ में अगर आप 14 डेज गुजारते हो, तो फिर आपको उनके वीज़े वगैरह का भी देखना पड़ेगा कि 14 डेज़ का वीज़ा आपको यहाँ पे कैसे मिलेगा। और उसके अलावा आपको ये देखना है कि वहाँ पे अब आपका जो होटलिंग वगैरह का जो खर्चा होगा, तो वो भी आपने खुद ही पे करना है। और हो सकता है इन कंट्रीज़ ने भी कोई कानून बनाया हो कि भाई पाकिस्तानी होगी या इंडियंस की एंट्री नहीं है कोरोना की वजह से, तो ये सूरत हाल है। तो इसलिए बेहतर ही है कि जो लोग अभी फ़िलहाल जो है इधर जापान में हैं, तो उनके लिए बेहतर ही है कि फ़िलहाल तो वो ना जाएँ जापान से बाहर। और बाकी जो लोग चले गए थे उनके लिए तो ऑप्शन है अभी वापस आने का, लेकिन वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, 6 दिन होटल में गुजारना और फिर 14 डेज घर पर। तो ये फ़िलहाल सूरत हाल है। और न्यू वीज़ा तो बिल्कुल नहीं है। और जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं वर्क वीज़ा पर बनाऊँ वीडियो और आपको बताऊँ किस तरह मिलेगा, तो मैं आपको आइडियाज़ दे दूँगा कि किस तरह आप वर्क वीज़ा ले सकते हो कंपनी से, किस तरह आप रब्ता कर सकते हो अपनी जॉब के लिए। लेकिन फ़िलहाल तो सारे वीज़ा बंद हैं, लेकिन यह है कि आप अभी से प्रिपरेशन अपनी शुरू करते हैं। प्रिपरेशन में आप ये कर सकते हैं कि जापानीज़ लैंग्वेज इज़ मस्ट। आप जापान में रहते हो, जापान से बाहर रहते हो, लैंग्वेज के बगैर आपको जो है जॉब मिलना बहुत ही टफ है। तो आपको अपनी लैंग्वेज पर फोकस करना है और अभी से आप अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करना शुरू कर दें। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं जिसके ज़रिए आप जापानीज लैंग्वेज सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।